thank you बेटे से बेटी बली जय को सतवंती हो और बेटा चलावे एक कुल बेटी चलावे दो गुडिया राम राम नमस्ते भैया नाम क्या आपका अंजलि आरिया भैया अच्छा और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ भैया भैया तो पहले तो अजय भैया आपका और जसवीर भैया आपका हमारे गाँव निंदाणा आने पर भाई कति हाथ जोड़ कर स्वागत है धन्यवाद है भैया बहुत बहुत धन्यवाद लाडो तू अपना है ये जो अपना देसी गाय जो है इसको बढ़ावा दे रही है भाई बहुत बढ़िया सोच है छोरी की और पढ़ाई के बारे में बताऊंगे लड़की ने कहा तक पढ़ाई की है और पढ़ाई में कैसी है और कौन सी क्लास में पढ़ा है भैया अब मैं ज्योग्राफी ऑनर्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम अच्छा ट्वेल्थ में कितने नंबर आए आपके भैया नाइन्टी सिक्स परसेंट नंबर आए गवर्नमेंट स्कूल में

तो फिर मेरी मम्मी दहेज में भी गांव लाई थी भाई भाई ऐसा है जैसा जो बालक ने वातावरण वात मिलेगा ना तो बच्चा है ना उसे के अनुकूल रहेगा तो भाई पापा शुरू तक गाँव रखा कर दे भाई फिर के में के है मै ना आर्य समाज के कैंप अटेंड करे हैं टिटोली में स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ है वहाँ पर पूनम प्रवेश आर्या दीदी है मतलब वो जो कैंप लगाया करे वहाँ उड़े जून में

नहीं भाई छोरी फोटो भी रख रही है उस टाइम के तीस साल पहले के फोटो है उस टाइम पे भी घर में देसी गाय थी और आज लगभग तीस साल बाद भी घर में देसी गाय है हाँ। तो भाई गौ भगत भी हम इस परिवार ने कह सके हैं क्योंकि तीस साल पहले जो शुरुआत हुई थी इसकी मम्मी दहेज में गाय लेकर आई थी लगातार उससे में कड़ी जोड़ दिया छोरी ने भी कितनी गाय फिलहाल अपने पास में फिलहाल भैया चार गाय है अपने पास में चार सी नस्ल की है भाई प्योर हरियाणा सारी एक थोड़ी सी है बाकी अपने सारे पास जितनी भी हरियाणा हाँ हाँ की, तो तो की, की ब्याई हो जाएगी अच्छा। ओली तीन की या ब्यायी थी जनवरी में सत्रह जनवरी अच्छा। हाँ भाई इसका जो मिल्क रिकॉर्ड है घर तो सोलह था लेकिन एच एल डी बी में इसने पंद्रह किलो पांच सौ कुछ ग्राम दूध दिया भाई हाँ रिकॉर्ड करवाया भाई कौन से बैत में यो भाई भाई तीसरे की है फिलहाल तीसरी बार बैरी है हाँ भाई तो आप लेकर आए जब कौन सा बैत था इसका जब भाई हम इसने बाखड़ी ले आए थे अच्छा हाँ कौन से बैत में लेकर आए थे मतलब दूसरा था पहला था दूसरे में लेकर आए थे भाई अच्छा दूसरे में आप इसने लेकर आए थे हाँ। और अब इसके नीचे जो काफ क्या बछड़ी है हाँ बछड़ी है भैया गंगा ये रही जो अच्छा हाँ तो इनका गोरी नाम रख रख्या हाँ इसकी बेटी है हाँ नाम उसका। गोरी और गंगा भाई इनका नाम एचएलडीबी में रिकॉर्ड है भाई साढ़े पंद्रह लीटर बताया आपने कितना पंद्रह पाँच सौ पंद्रह पाँच सो सड़सठ था शायद

तो मेरे ये पाचे हैं एक आपकी दादी और बता रही थी कि पशुपालक साथियों पशुओं में बहने के बाद जेर गिराने व मेले से चलाने के लिए सर्वोत्तम दवाई यूट्रामैक्स जेर गिराने के लिए ढाई सौ एम एल हर दो घंटे में और गर्भाशय की सफाई मेले से चलाने के लिए सौ एम एल दस दिन तक

भाई तो नु है अपने मेरा लॉकडाउन पाछ तो थोड़ी होगी फिर भी भाई नू तारे आते ने चार चार घंटे तीन तीन घंटे तो भाई बार का टाइम पर तो भैया नू नहीं बेटा सोवे कोड बर उठे कोड बर लड्डो एक बात और बता एम के है आपका भाई मेरा एम है ना सच बताऊं आपने तो कोई नू का मैंने इतनी बड़ी नौकरी चाहिए भाई मैं नू चाहूं मैं सुतरी डाल अपना पढ़ाई करते जाऊं और साथ में भाई मेरे दोरे पांच छह देसी गाय हूं इनकी गेल सेवा करती रहे हां गेल सेवा भाई तो अगली ले आओ जी दूसरे नंबर की जो गाय है उसने और लिया एक बार भाई बहुत बढ़िया उम्र कितनी होगी बेबे आपकी भैया सत्रह साल सत्रह साल की उम्र है गुड़िया की और भाई सोच देख लो कितनी बढ़िया है एक देशी गाय के प्रति गाय को बढ़ देसी गऊ माता को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अथक प्रयास है इस गुड़िया का तो भाई ये जो वीडियो ना एक मोटिवेशनल वीडियो है इससे मेरे युवा भाई पूरा देश जरूर कुछ ना कुछ सीख ले जो इस गुड़िया का हौसला है इसमें एक कड़िया भी जोड़े घर में देसी गाय का होना बहुत जरूरी है इसका जो दूध है भाई वो बिल्कुल अमृत के समान मानने गए बे भैया जो अपनी सामने गाय है इसके बारे में और बताइए सामने ये वाली भैया भैया हाँ ये जो सामने है सींग भी किस कैसे टूट गया इसका सींग भाई या गाम। इसके दो ब्यात हो गए पिछली बार इसकी बाछड़ी मुर्गी थी फिर भी भाई इसने थोड़ा थोड़ा तो लंबे टाइम तक दूध तो दिया नहीं भाई एक बिना भाई भी ना दूध दिया फिर भाईगी फिर भी अगले ब्यात में भाई इसने चौदह किलो दूध दिया है एच एल डी बी में भाई इसका साढ़े बारह किलो रिकॉर्ड होया है क्यूँकी जो उस टाइम पर दिन की ब्याई थी आप रिकॉर्ड जरूर करवाते हो एच एल डी बी में अपने बार करवाया है अपना अब की बार से ये शुरुआत कर दिया और आगे भी जो पशु लेकर आओगे जो गौधन आओगे ले करेंगे भाई और कोशिश ये रहेगी भाई की कॉम्पिटिशन जीता देख भाई नंबर अभी लग रहा है भाई तेरा गाय थी हरियाणा नस्ल की उसमें तो फर्स्ट भी आई भाई और तीसरी पोजीशन इसकी आई थी अच्छा अपने पास जो चैंपियन है गाय एक हाँ की पहली पोजीशन है एक की दूसरी पोजीशन है, है तीसरी पोजीशन है हाँ फिर यो सिंह कई दिन पहले टूट गया इसका बेबी यो सिंह भैया इसका बेरानी क्यों करके आड़े बंद रही अच्छा। इस कुत्ता था इसने मार लिया भाई फिर

अपने आप हमने कोई भी ऐसा काम है इसका नाम भैया यमुना है इसका यमुना नाम रखा हाँ है बहुत है बहुत बढ़िया आगे चल गई है अभी चलो उसका तो सीन टूट गया लेकिन ब्यूटी में भी, 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 पूरी भी पूरी और दूध में भी भैया कसर पूरी करे हाँ भैया बिल्कुल तो भैया जो अपना तीसरे नंबर वाली है बिल्कुल व्हाइट ब्यूटी है अपनी हरियाणा नस्ल की

है है तो इन कोई जो है बे -बे या सेल करने के लिए भी है या नहीं ना भाई सेल के लिए कोई गाय नहीं है बाकी इस का थोड़ा विचार सा देखा भाई क्योंकि थोड़ा तीन गाय हो रही है अच्छा। आड़े जंगा बनाए बाद और करांगे भाई अच्छा या जो अपनी कौन सी नस्ल की गाय है या भाई प्योर या या जो कलर पल्ट्री है हाँ यह भाई और वाइट होगी तो यह अभी इतनी काली थी या भाई मौसम के हिसाब से मैं ये चीज बता देना चाहूँगा गुड़िया ने भी बढ़िया जानकारी दे दी है मौसम के हिसाब से देसी नस्ल की जो अपनी गाय है सबको पता है भाई ये रंग जरूर पलटती है इसके बारे में और बताबै भैया कितने साल की है कौन सा ब्याह है इसका इसका भैया तीसरा ब्याह है तीसरा ब्याह है जी हाँ भाई कितने दिन की ब्याह होली भैया बीस दिन में अच्छा बीस दिन बचते हैं इसके और

कह दें हरियाणा नस्ल की जो गाय है थोड़ी सी लात लूत मारा है या देखिए भाई तस्वीर जसबीर मलिक जमला भाई करिए एक बार कैप्चर और भाई आज हमारा भी एक हौसला बढ़ाया है भाई इस गुड़िया के हौसले को देख कर साथ के साथ पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया और भाई एक से एक जो अपनी देसी नस्ल की गाय है बहुत बढ़िया बढ़िया गाय और पूरा शौक है गुड़िया ने बताई भाई कि मेरी मम्मी दहेज में भी नींव तो वहीं रखी रख दी गई थी भाई एक जो शौक़ है इस गुड़िया का नींव तो वहीं रख दी तो बेबे आप

तो भैया ऐसा परिवार है कि पांचों बहने हैं और उसने जो बड़ी है कॉम कर साथ साथ के साथ है गाए के देसी गाय प्रति जो शौक है ना उसके लिए हाँ बेबे मतलब देसी घी और दूध था भाई मतलब मैं नया अजमास है भाई लगातार चार चार घंटे बैठकर आम तो भाई ना आख्या कोई चश्मा ना कुछ और भैया अच्छा अंजलि बेबे जो गाय है इसकी भी चौखी उम्र लागू हो रही है भाई अपने पड़ोस में चाचा के है अरे भाई देख लो मेरा जन्म तो, तो पहले ही गांधू या कम तक कम भाई इक्कीस बार ब्याली है इक्कीस बार है हाँ भाई आ जो है यो इसका अपना इक्कीसवा हाँ इक्कीसवा ब्याह है भाई कितने... अच्छा ईब कितने दिन की ब्या ही होली या होली भाई ठेक बिन्या की होली फिलहाल कितना दूध दे रही है फिलहाल दे रही है भाई दस किलो दूध और लगभग उम्र कितनी होगी सत्रह तो साल गुड़िया तो, की उम्र है आप अंता भी भी तो कम तक कम भाई पच्चीस छब्बीस साल उम्र वाली इसकी पच्चीस छब्बीस साल उम्र है भाई पड़ोस में भी जो गाय है ना इतना ध्यान रखे गुड़िया शोक इतना है भाई देसी नस्ल की जो गह उसके प्रति के भाई यह जो इसके अंकल जी के पास हम गाये हैं पच्चीस साल लगभग उम्र है, है इक्कीस बार ब्याली दस लीटर दूध इक है इक्कीस में ब्याह में कितने दिन की ब्याई बताई आपने फिलहाल आठ एक महीने की ब्याई 8 महीने की ब्याई होली परिवार में लगातार इतने साल तक गाय है आ रही बीमारिया बच्चा रहे होंगे हाँ भाई बिल्कुल क्योंकि गायी गाय का जो दूध है वो बीमारियां लड़े है बीमारियां दूर बीमारिया है और बे बे हाँ दिमाग का जो है की एक दिमाग का उदाहरण जो कह दे दिमाग तेज करे है गाय का दूध हाँ वो अंजलि हमारे सामने है भाई अंजलि के क्षण में परसेंट नंबर है बारहवीं में गवर्नमेंट स्कूल तक हाँ भाई गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव के बीच में निंदाणी गांव के बीच में है और उसके साथ साथ में पशुपालन का भी काम

और भाई जो देसी नस्ल की गाय है इसकी जानकारी दी है अंजलि ने चाय दिन में तीन बार दूध निकाल हाँ भाई ये सारी गाय इतनी शरीफ है मतलब जोड़ा इनका गल मतलब पेट कर दे उल्टी घर आ जाएंगे एक बतड़ के राउंड लगवा का करें चुगर दे जोड़ के चुगर दे न्यू करें भैया ये तो भाई आज की जो वीडियो थी इस तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई है आज नंदाणा गाँव में पहुंच के अंजलि बेबे मिलकर देसी नस्ल की गाँव गायें को जो बढ़ावा दे रही है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई हमारे चैनल की तरफ से तो भाई ऐसी एक से एक बढ़िया वीडियो के लिए पशुपालन विकास मंच को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस गुड़िया के हौसले के लिए और वीडियो ना ज़रूर शेयर करें भाई जय हिंद जय जै भारत जय जवान जय किसान